आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों के किसानों से सीधा संवाद किया, उन्हें हजारों करोड़ की सौगात दी। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर ये, क्या किसान अब मान जाएंगे? वहीं शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया कि अपराधी सुधर जाएं, नहीं तो उन्हें 10 फीट जमीन के नीचे गाड़ दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि देश की 2 महिला आर्मी ऑफिसर्स को पहली बार परमानेंट कमीशन किया गया। इसके साथ ही जम्मू के कठुआ में महिला बस ड्राइवर ने कैसे सुर्खियां बटोरी। इसके साथ पाकिस्तान की आतंकवादी साजिशों पर बड़ा खुलासा करेंगे। तो इन तमाम खबरों को लेकर शुरुआत करते हैं देश के बुलेटिन की। पीएम मोदी ने अटल जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 18,000 करोड़ रुपए की सौगात दी और किसानों से सीधा संवाद भी किया। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से देश के किसानों को बड़ी सौगात दी। पीएम ने बटन दबाकर सीधे किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए दिए। ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें कई सच्चे और निर्दोष किसान भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब वो राजनीतिक विचारधारा वाले सिर्फ नेता हैं, बाकी तो भले भले किसान है। पीएम ने इस मौके पर किसानों से सीधा संवाद भी किया। अरुणाचल प्रदेश के किसान से संवाद करते हुए किसानों की दुविधाओं को भी साथ दिया। आपको पीएम किसान सम्मान निधि से जो पैसा मिल रहा है उसको आप कैसे उपयोग करते हैं? उस पैसे को मैं ऑर्गेनिक खाद, दवा और कुछ मजदूरों के ऊपर खर्च किया। उसके बाद बारी थी ओडिशा के किसान की। ओडिशा के किसान से पीएम ने किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर बात की और उसके फायदे गिनाए। इस प्रकार के योजना का आपको लाभ हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? 5 किस्तों में 10,000 के पीएम किसान सहायता प्राप्त हुआ है। मैंने इस धन को खाद, बीज, कीटनाशक खरीद के लिए उपयोग किया है। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।